हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो ये वीडियो है पार्ट 12 यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के इससे पहले 120 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसकी पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव वाले लिंक के ऊपर मिल जाएगी। लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा, सो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, द ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग का यूज़ किया जाता है? सो इसमें क्लोफिब्रेट का यूज़ किया जाता है हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया की ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा फैक्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए ड्रग स्टेबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड डिसोल्यूशन टाइम। यहाँ पे बात हो रही है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्रोलीफरेटिव डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा प्रोलीफरेटिव डिसऑर्डर का एक टाइप है? ईओसिनोपेनिया, लिम्फोपेनिया, ल्यूकेमिया, न्यूट्रोपेनिया। सो ल्यूकेमिया जो है वो एक टाइप है प्रोलीफरेटिव डिसऑर्डर का। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। सो क्रिस्टल यूरिया साइड इफेक्ट किस टाइप्स के ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड रहता है? सो इट इज एसोसिएटेड विद सल्फोनामाइड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन सा एक फीमेल सेक्स हार्मोन है? सो अमंग दीज एस्ट्रोजन, दैट इज ऑप्शन सी। एस्ट्रोजन जो है वो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। सो मायोकार्डियम एक स्पेशल टाइप का मसल टिश्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनिटोल इज, सो मैनिटोल किस टाइप का ड्रग है? सो इट इज़ अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस अराइजेज ड्यू टू द इनकम्पेटिबिलिटी इन द। सो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फॉयटेलिस जो है वो एक कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड है ब्लड के साथ। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। सो एक पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग इनमें से कौन सा है? पेनिसिलिन, फेनिंडायोन, वारफरिन, हिपेरिन। तो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट की बात की जाए सो इट इज़ अ हिपेरिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। सो किस पार्ट को सेल के या किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? सो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन। इनमें से कौन सा एक बेंजोडाइजेपिन नहीं है? डाइजीपाम, नाइट्राजीपाम, जोल्पिडम और ट्राई एजोलम। सो बेंजोडाइजेपिन जो है वो जोल्पिडम इज नॉट अ टाइप ऑफ बेंजोडाइजेपिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। सो पॉइजनिंग के केस में कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है? सो पॉइजनिंग में डाइमर कैप्रोल जो है वो मेन
चिलेटिंग एजेंट है जिसका यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ पॉइजनिंग। बाकी डिफरेंट अलग अलग टाइप के एंटीडॉट्स हैं जो कि पॉइजनिंग के केस में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज, सो हेपेटाइटिस क्या है? सो हेपेटाइटिस एक टाइप की वायरल इन्फेक्शन है, लीवर की इन्फेक्शन होती है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ इज, सो एलर्जिक कफ में यूज होने वाला लीकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन सा है? सो इट इज मोंटेलुकास्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर वर्म थेरेपी इज, सो वर्म थेरेपी में कौन सा सल्फोनामाइड यूज किया जाता है? वर्म थेरेपी में जो सल्फोनामाइड यूज होता है दैट इज सल्फा डायाजीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट्स प्रमोटिंग इजी वोवल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज, सो वोवल को इवैक्यूएट इजीली इवैक्यूएट करने में कौन से एजेंट्स हेल्प करते हैं? सो दीज एजेंट्स आर नोन एज लैक्सेटिव्स, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमेंटाडीन इज द ड्रग यूज्ड एज, सो एमेंटाडीन किस टाइप का ड्रग है? सो इट इज एन एंटीवायरल ड्रग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिटेडिन इज अ, सो रेनिटेडिन क्या है? सो रेनिटेडिन इज अ H2 एंटागोनिस्ट, गैस्ट्रिक कंडीशंस में ये यूज होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकुसर्ट्स आर, सो ओकुसर्ट्स क्या हैं? सो ओकुसर्ट्स बेसिकली आई प्रिपरेशंस होते हैं, आई के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ सल्फोनिल यूरिया इज, सल्फोनिल यूरिया का एग्जांपल क्या है? सो इसका एग्जांपल है टॉल ब्यूटामाइड, इट इज़ अ टाइप ऑफ सल्फोनिल यूरिया। ये मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स, ग्लेटाजोन डेरिवेटिव्स एंड मेटफॉर्मिन इज आल्सो वन कैटेगरी ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो यहाँ पे हमने आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।